हेलो एवरीवन, बीइंग प्लेजर टुडे विद अस डॉक्टर नितेश मलिक, ऑल इंडिया रैंक 16 इन INICET मई 2023 एग्जाम. द रिजल्ट केम डे बिफोर यस्टरडे. फॉर दैट कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर नितेश वंस अगेन टू यू योर थैंक यू फैमिली फॉर सर। दिस बिग बिग अचीवमेंट इन लाइफ. यस सर, थैंक यू सर। डॉक्टर नितेश वाज स्टडिंग विद अस सिंस फाउंडेशन डेज ऑफ हिज प्रिपरेशन and had been attending all classes, making notes. He is a pass out, recent pass out, I would say, from HSJ Dental College, Chandigarh. So Dr. Nitesh, all to you now. Aap do cheeze bataoge. Ek, you had, Dr. Nitesh also had a rank, 488 All India rank in NEET MDS 2023. So what was the journey which started after the NEET result, I would say. NEET to ab thoda बाइगॉन हो गया आपकी 16 रैंक के आगे. ऑल टू यू नो. सर, नीट रैंक जैसे ही मेरा एग्जाम हुआ था, मैंने 4-5 दिन तो मैंने पूरे मजे करे। मैं अपने कॉलेज में चला गया चंडीगढ़, 4-5 दिन तो मैंने फुल मजे करे। फिर जैसे ही मैं घर आया तो मुझे रियलाइज हो गया कि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैंने पहले ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी। फिर नीट का रिजल्ट आया, फिर तो ठीक आया, मतलब मैं ठीक था कि हो जाएगा मेरा, कहीं ना कहीं मुझे एडमिशन मिल जाएगा, अपने ही कॉलेज में मिल जाएगा। मैं उसमें ही ऐसे ही हो गया। फिर उसके बाद पता नहीं, मेरे बैचमेट थे कई, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा कि तू कर पढ़ाई, तू निकाल लेगा निकाल लेगा निकाल लेगा। फिर उसमें फिर मैंने तैयारी स्टार्ट करी। फिर उसके बाद आपने यही नॉर्मल स्टार्टिंग में तो वो जोश होता है, डेली का मैं 8 घंटे 10 घंटे कर रहा था। फिर उसके बाद बीच में थोड़ा मेरा ब्रेकडाउन सा हो गया था। जैसे ये अप्रैल अप्रैल मंथ आया, वैसे ही मेरा ब्रेकडाउन हो गया कि नहीं यार, नहीं हो रहा। फिर धीरे धीरे करते करते 10-12 दिन निकले, फिर टेंटेटिव सीट्स का काउंट आ गया, तो उसमें मेरे देखी मैंने 16 सीटें, फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया। बेसिकली यू आर अ सेल्फ मोटिवेटेड गाय, आई वुड से. आप खुद ही मोटिवेशन ढूंढ लेते हो किसी ना किसी यस चीज में. सर, मेरे साथ एक चीज और हुई। मेरे को ना आज बीच में टीपीए कंपनी में जॉब लग गई, 32,000 दे रहे थे वो, तो मेरा वहां भी माइंड डाइवर्ट हो गया। उन्होंने मेरे को 27 मार्च तक ज्वाइन करने के लिए कहा था, तो उसमें मेरा एक सीनियर था, वो भी सेम ही ज्वाइन कर रहा था, तो उसने भी मेरे को मोटिवेट करा कि तू मत ज्वाइन करियो। फिर उसके ये बाद जैसे यस हाँ सर जी, प्लीज बोलिए. फिर उसके बाद जैसे ही टेंटेटिव वो आई, सीट मैट्रिक्स आया, फिर तो मैं दिन के सुबह स्टॉप वॉच लगा के अपना 8 घंटे मैंने पढ़ना ही पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने भी मेरे फ्रेंड्स के कॉल आते थे, मैं सबको, किसी के फोन नहीं उठाता था, लिटरली मैंने किसी से बात नहीं की। फिर मैंने जैसे ही पेपर हुआ, फिर मैंने सबको कॉल किया कि मैं सॉरी यार, मेरा पढ़ रहा था, अब मैं फ्री हूँ। क्या डिफरेंट किया आपने जो नीट प्रिपरेशन में आप मिस कर रहे थे या नहीं कर पाए थे, या व्हाट यू से, ऐसा क्या स्पेशल INI के लिए आप एडवाइस देना चाहोगे आपके जूनियर्स को? सर, एक तो मैं नोट्स नोट्स पढ़ता था। नोट्स तो मेरी, आप ये लगा लो, मेरी BDS बहुत इजी कर दी थी। जो मैंने थर्ड ईयर में ज्वाइन करा था ना, मेरा BDS बहुत इजी कर दी थी नोट्स ने। और मैं सिर्फ पल्स तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, मतलब सिर्फ डेंटल सब्जेक्ट, आपने बताया था डेंटल सब्जेक्ट और एनाटॉमी पढ़ लो, तो वो इतना ही पढ़ा था मैंने उसे। बाकी नीट के पास्ट ईयर और एम्स के पास्ट ईयर, बस इतना ही पढ़ा था मैंने। और मैंने जो नीट में मेरी जो सिली मिस्टेक, इजी क्वेश्चंस थे, मैंने वो गलत करके आया था। इस बार मैं 100% श्योर था कि इस बार मेरी एक भी सिली मिस्टेक नहीं हुई। एम्स तो बिकॉज सीट्स आर लेस, यू कैन नॉट अफोर्ड मिस्टेक्स इन दैट, यू नो दैट. यस सर, एक मैंने लास्ट लास्ट टाइम्स दिया था, उसमें मैं 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, तो उसमें मेरा 106 रैंक आया था लास्ट टाइम। तो फिर इस बार मैंने बाय चांस आपकी एक दिन पहले वीडियो देख ली, उसमें आपने बताया था कि अंडर अटेम्प्ट मत करना, तो इस वजह से मैं इस बार 193 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था।
यस सर, डॉक्टर नितेश जो आपने किया है ना, दैट इज नॉट नॉर्मल। आई टेल यू, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका रैंक होता है टॉप 10 से लेकर 1000 रैंक तक, स्पेशली इन नीट, दे आर यस सर, ट्राइकिंग अगेन, ट्राइंग अगेन फॉर एम्स। बट क्या यस होता है ना, सर, वंस यू हैव अ गुड रैंक, जैसे 488 पे भी आपको पता था कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कहीं यस ना सर, मुझे कहीं। पता था जो डॉक्टर HSJ मुझे मिल जाएगा। मेरे घर वाले भी मेरे को देख के कह रहे थे तू वहां एडमिशन ले ले, कोई नहीं। नहीं, इवन स्टेट कोटा में भी आपको, अगर आप आज यस सर, काउंसलिंग की बात करो, जीडीसी अमृतसर, जीडीसी पटियाला, कहीं नहीं गया आपका, मतलब यस सर, मिल जाएगा आराम से उसका बेनिफिट। यस एंड सर, अल्टीमेटली बट क्या होता है ना, 2 महीने मार्च अप्रैल के जो मंथ्स हैं, यस सर, इंजॉयमेंट पूरी पीक पे, आईपीएल भी चल रहा है, 50 चीजें चल यस रही सर, हैं, यस एंड सर, व्हाट यू हैव डन इज वेरी वेरी कमेंडेबल थिंग। 8-10 घंटे यस पढ़ना डेली फॉर अ गोल, एंड दैट टू सेल्फ रियलाइजेशन के साथ कि मेरा नीट में ये गलतियां हुई थी, दैट्स व्हाट इज द सक्सेस मंत्र आई वुड से फॉर एनी रैंकर। सर, बाकी हाउ इज लाइक यू कैन से व्हाट चेंज यू फील, जो डॉक्टर नितेश ने एक एग्जाम दिया नीट का, उस दिन का डॉक्टर नितेश और जो INI में बैठा था, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस लगा आपको अपने अंदर? सर एक तो मैं बिल्कुल, मतलब इस बार मैंने घबराया नहीं मैं बिल्कुल पेपर देते हुए बिल्कुल भी, क्योंकि मैं एम्स एक बार पहले दे चुका था। उस टाइम मेरे को टाइफाइड हो गया था, मेरी प्लेटलेट्स 30,000 के अराउंड रह गई थी। मैं उसमें एग्जाम दे के आया था पिछली बार, तो मुझे पता था कि ठीक है मैंने दे रखा है, तो मैंने पिछली बार रैंक अच्छा आया तो मैं इस बार कर लेगा तू, तो इसलिए मैंने अपना वो मैंने वो नहीं करा, घबराया नहीं मैं कि ये एम्स 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 बहुत मुश्किल पेपर आता है, ये वो ये सब बातें जो हर कोई करता है, तो मैंने इग्नोर करी सारी। मैंने एक काम और करा सर एक्स्ट्रा, मैंने इंस्टा अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर लोगों को देखूंगा इंस्टा इंस्टा चलाने बैठूंगा तो फिर तो मैं वैसे ही डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, दूसरों को देख के वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है, उसका वीजा आ गया उसका वीजा आ गया, तो ये सब सबके वीजे ना आपके आपके रैंक के आगे फीके हैं अभी। यस सर, इंडिया में अगर 10वीं में एक बच्चा सोचता ना मुझे डॉक्टर बनना है, तो रैंडमली किसी को भी पूछोगे ना, कहाँ से करना है, एम्स से यस करना सर, है। एक यस सपना सर, होता है एम्स, पीजीआई, यस जिपमर जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाने का, एंड आपने अपना सपना एक्चुअली सच करके दिखाया अपने लिए। यस सर, दुनिया को क्या दिखाना है, अगर यही इंस्टा पे भी डाल दोगे, फिर अगेन जैसे आप कह रहे हो, बहुत लोग होंगे जो आपको देख के खुश नहीं होंगे आज की तारीख में। यस सर, सर मैं ये सोचता हूँ कईयों को तो रिजल्ट आया होगा ना, मेरा नींद ही नहीं आई होगी कि मेरा रिजल्ट आ, क्योंकि अभी अभी सर ये मैं इंटरव्यू था पूरी दुनिया को शॉक करेगा एक्चुअली। यस सर, क्योंकि मेरा क्या होता था, मैं फुल मजे करता था, मेरे से किसी को उम्मीद नहीं होती थी कि ये पास भी हो जाएगा। मेरी BDS भी मेरी टाइम से होगी और मेरा अपने पूरे कॉलेज में सबसे पहले मेरा एडमिशन भी हो जाएगा नहीं, यस लाइक सीरियसली, बीइंग अ फ्रेशर दिस ईयर, यू आर फ्रॉम द जस्ट पास आउट इंटर्न बैच, एंड उसके सर, बाद नीट में रैंक निकालना, नीट के बाद 2 महीने पढ़ाई करके एम्स का रैंक क्लियर करना, इज लाइक नॉट अ ट्रेट यू कैन से, या फिर कह लो ये किसी एक ऑर्डिनरी बच्चे का ग्राफ नहीं होता। ये मैं मान यस सकता हूँ सर, कि आप टॉपर नहीं रहे सपोज BDS के 4 साल में, बट यस कोई सर, जिस दिन आपको अपना पोटेंशियल रियलाइज हुआ, उस दिन यू स्टार्ट कैशिंग इट अपॉन, अदरवाइज फ्रेशर की भी सर, इतनी रैंक नहीं आती है, वी नो दैट। यस सर। और सर मैंने एक चीज और करी, मैंने जितने भी एग्जाम हुए JR हाउस जॉब सारे दिए मैंने, कोई भी नहीं छोड़ा मैंने। मेरा मौलाना आजाद का भी JR का पेपर क्लियर हो गया था, उस टाइम से मेरे को थोड़ी सी खुशी होने लगी कि भाई हाँ मैंने पढ़ाई करी है, नहीं, छोटी छोटी सक्सेस इसलिए मिलती है ना, तो यस डेफिनेटली सर, मोटिवेशन यस मिलता सर, हाँ उनसे सर वो मेरी ना जो सिली मिस्टेक्स वाली वो इम्प्रूव होती रही मेरी। है। आप INI और नीट दोनों के रैंकर हो, क्या डिफरेंस यस आपको लगा सर, दोनों पेपर्स में, जब आप लाइक नीट भी आपने किया है, नीट का रैंक इज प्रीटी गुड, एंड INI यस सर, देते टाइम, या फिर ये कह लो प्रेप, तो चलो आपने सारा रिवाइज किया, यू सेट नोट्स रिवाइज किए, क्वेश्चंस पास यस सर, पेपर, वो तो सिमिलर हो गया, जो सब मेरे ख्याल हर स्टूडेंट जो INI देता है वो यस सब सर, करता है।
बट यस ड्यूरिंग द सर। एग्जाम कुड यू मेक आउट एनी डिफरेंस बिटवीन जो नीट का पेपर था और जो INI का, बिकॉज सर दैट विल नीट हेल्प नीट द लिसनर्स, दैट विल हेल्प द फ्यूचर एस्पिरेंट्स फॉर INI. सर नीट में जो हमारे नीट में मेडिकल पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, जो मेडिकल सब्जेक्ट है। INICET में डेंटल मेन तो डेंटल ही है, साथ में एनाटॉमी, एनाटॉमी और फिजियो थोड़ी बहुत। एनाटॉमी मेन तो एनाटॉमी ही पूछते हैं, बाकी तो और सब में एक एक दो दो क्वेश्चन, ज्यादा नहीं होते। मेन अराउंड 160-170 क्वेश्चन डेंटल से ही आते हैं। और वो तो INICET स्टार्टिंग थोड़ा में भी इजी आपको है। बोला ही था कि INI के लिए यस सर, यस सर, 170 to 180 क्वेश्चंस हमेशा डेंटल ही रहेगा. यस सर, अब जो सब्जेक्ट्स के डेप्थ होता है जैसे ऑर्थो, प्रोस्टो, एंडो, यस डीएम, सर। व्हाटएवर, इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको? सर मुझे नीट मुश्किल लगा। इसमें जो मेन क्वेश्चन जो मैंने अलग अलग आते हैं वो ऑर्थो प्रोस्टो से बहुत डीप आते हैं, बाकी तो सारे नॉर्मल क्वेश्चंस थे, इतने कोई इतने मुश्किल नहीं थे। जो हमारे ऑर्थो प्रोस्टो से वो थोड़े ज्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं, बाकी तो इजी ही था। और दो या तीन क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसका कुछ भी नहीं पता, अता पता ही नहीं था बिल्कुल भी। वो तो हर पेपर में होते ही है, उसका यस कोई सर, सिर मुंह पैर नहीं है, जो बोलते हैं ना हम लोग अपनी देसी भाषा में, यस कुछ सर, वो छोड़ना ही यस सर। समझदारी है उनको तो. हाँ जी सर। और अभी अपने जूनियर्स को या जो लोग आपको, अब ये देख के कोई नहीं कहेगा डॉक्टर नितेश एक मस्ती वाला स्टूडेंट था या कैसे था, ऑन ए सीरियस नोट जाते जाते क्या मैसेज आप देना चाहोगे जिससे सबको याद रहे कि नहीं यार डॉक्टर नितेश को हम ऐसे ही देखते तो थे एंजॉय करते हुए, बट वो सर सीरियसली पढ़ाई भी बहुत करता था. मैं यही मैसेज करता रहूंगा, अपना यही मैसेज दूंगा अपना, अगर करना है तो एक बारी करो, ढंग से करो। ये नहीं कि कर भी रहे हैं इधर भी, दोनों दोनों नाव में पैर रख लिया, एक एक फोकस ही रखना है। नीट में मेरे साथ यही हुआ था, मेरे मेरे को सपने आ रहे थे तू बाहर चला जा, ये कर ले वो कर ले। इस बार मेरा फोकस सिर्फ एक ही था, मेरे को सीट चाहिए, क्योंकि मुझसे और कुछ होगा ही नहीं। तो अपना फोकस फोकस रखो एक, वही अपना हो जाएगा। अगर आपने मेहनत करी है तो वो होएगा ही होएगा आपका सिलेक्शन। That's really great, great, great advice, I would say. यस Just सर, यस remain focused. Just rather, I would say, just focus on one goal at a time and chase your सर, dream, like what Dr. Nitesh Malik had done. And example आपके सामने है, एक student जो अभी just थोड़े time पहले internship complete होती है, वो पढ़ाई करके नीट भी निकालता and थोड़ी और मेहनत करके एक INI में prestigious institute like AIIMS, he will be joining now. Congratulations once again, Dr. Nitesh, to you, your family, and every supporter who believed in you, जिन्होंने आपको पुश किया, जिन्होंने कॉल नहीं किया, तंग नहीं किया, जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया, एंड हैट्स ऑफ टू योर ओन सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रेटेजी. कॉन्ग्रेट्स सर, वंस अगेन, थैंक यू. थैंक यू सर।